आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज, मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। जिले में तमाम जगहों पर समिति प्रबंधक, सेल्समैन तथा खाद्य अधिकारी, राजनगर से लेकर जिला खाद्य अधिकारी भी लगता है गरीबों का राशन डकारने में माहिर साबित हो रहे हैं। तब तो राजनगर क्षेत्र की जनता ने लिखित शिकायत जनपद सीईओ से लेकर एसडीएम तक की, लेकिन आज भी जनता को अपने हक का राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि स्वयं प्रशासन एवं भाजपा नेता अंगद जैसा पेड़ जमाकर गरीबों को राशन खाने में साबित हो रही है। तब तो धोगवा गांव के लोग ज्ञापन देने के लिए मजबूर हुए। अब देखना यह है कि आखिरकार भाजपा सरकार में गरीबों को उनके हक का राशन मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि एक कहावत है कि सेया है कोतवाल तो डर काहे का सिद्ध हो रही है। राजनगर तहसील की ग्राम पंचायत घोगुआ गाँव बराई में गरीब आदिवासियों को जुलाई माह का राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना द्वारा प्रत्येक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को 5 किलो अनाज एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा 5 किलो राशन सामग्री दी गई। लेकिन बराई गांव के आदिवासी बहुल इलाके में विक्रेता एवं समिति प्रबंधक एवं अध्यक्ष द्वारा 5 किलो प्रति व्यक्ति दिया गया। इस गाँव में राशन नहीं बंटने की शिकायत पहले भी एसडीएम से गाँव वालों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह अधिकारियों से करने के बाद राशन विक्रेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, राशन वितरण में ना सुधार हुआ। स्वयं सहायता समूह मिडिल स्कूल की संचालिका गीता यादव द्वारा गरीब छात्रों को अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 तक का मध्याह्न भोजन का राशन नहीं बांटा गया। वरिष्ठ भाजपा नेता के नेतृत्व में गांव के सैकड़ों लोगों ने भाजपा जिला महामंत्री श्री अरविंद पटेरिया, जनपद पंचायत सीईओ राजनगर प्रतिपाल सिंह बागरी, डीपी द्विवेदी, एसडीएम राजनगर को ज्ञापन सौंपा। अपनी ही सरकार होने के बाद गरीबों के हक की लड़ाई के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के सामने एवं भाजपा के पदाधिकारियों के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। आज के संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? आज जो 5 जुलाई मुख्यमंत्री अन्न योजना का गेहूं ग्राम पंचायत धोगवा बराई का वितरण किया है, इस संबंध में आज सभी ग्रामवासी बराई के हरजन आदिवासी सभी लोग, हम मतलब पिछड़ा वर्ग के लोग, अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कि हमारा जो राशन है माह अगस्त का, माह केवल जो सरपंच के नजदीकी थे उन 50 लोगों को थैला वितरण किए गए, शेष ग्राम पंचायत के किसी हितग्राहियों को आज तक कोई दुकान से राशन नहीं वितरण किया गया माह अगस्त का। श्रीमान जी द्वारा आपको कोई आश्वासन दिया गया है? श्रीमान जी अनुभागीय अधिकारी जी कहते हैं कि 3 दिन के अंदर इसकी हम कार्रवाई करवाएं। यदि कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला प्रोग्राम क्या रहेगा? अगली प्रोग्राम ये रहेगा कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चलेगा। बराई अभी तो बराई का आंदोलन है, अब सेंगरा हुआ धोगवा और नारायणपुरा का बहुत बड़े रूप में जन आंदोलन होगा। आंदोलन के ऊपर प्रदर्शन होगा, धरना होगा और भूख हड़ताल के लिए हमारे जो आदिवासी खड़े हैं, पूछे इन लोगों से, तब लोग तैयार हो? भारतीय जनता पार्टी। आज ग्रामवासी सिंगरो बराई ग्राम पंचायत धोगवा के आए थे, उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया कि वहां पर जो गीता यादव, पति तुलसीदास यादव स्वास्थ्य सहायता समूह जो सिंगरो में है, उनके द्वारा मध्याह्न भोजन में गड़बड़ियां की जा रही हैं, उसके संबंध में दिया गया है। इनके खिलाफ क्या कौन सी कार्रवाई की जाएगी? इनके द्वारा जांच करवाई जाएगी। जांच करवाने के पश्चात अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो समूह को हटाया जाएगा और इनकी जगह दूसरा समूह किया जाएगा, और जो भी इनके द्वारा अनियमितता की गई है खाद्यान्न वितरण में, चूंकि आजकल हो रहा है, तो वो पूरी वसूली की जा रही है।